साथियों नमस्कार, मैं प्रतीक चौधरी एडवोकेट चौधरी लीगल एसोसिएट से आप सबको नमस्कार करता हूं। नंदन अभिनंदन आपका। भारत में प्रत्येक वर्ष लाखों लोगों की मृत्यु शराब पी करके गाड़ी चलाने से होती है। इसमें कभी कभी वे लोग मारे जाते हैं जो शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, और कभी कभी वे लोग मारे जाते हैं जो शराब पीकर गाड़ी चला रहे लोगों के सामने आ जाते हैं। शराब पीकर गाड़ी चलाना भारतीय कानून के हिसाब से अपराध है। आज हम बात करेंगे कि शराब पीकर गाड़ी चलाने के मसले, जिनको कि ड्रिंक एंड ड्राइव केस बोला जाता है, वो क्या हैं, उनमें कितनी सजा का प्रावधान है, किस प्रकार की सजा का प्रावधान है, क्या होता है अगर इस केस में आप फंस जाते हैं, कैसे आप इस केस से निकलेंगे, और सारी चीज़ें लीगल फैक्ट्स क्या हैं। तो आइए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर दूं कि जो मेरे चैनल पर नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि हमारे लीगल अपडेट्स दिन प्रतिदिन के हिसाब से, डेली के हिसाब से आपको मिलते रहें, आप उसमें कहीं चूकें ना, क्योंकि हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर जो रोज़मर्रा की जो समस्याएं हैं उनको लेकर के वीडियो की एक श्रृंखला हम चला रहे हैं, एक सीरीज हम लेकर के आए हैं, डे बाई डे आपको बिल्कुल अवेयर कर रहे हैं चीज़ों को लेकर के। तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, मैक्सिमम शेयर करें, जिससे कि ज़रूरतमंद लोगों तक भी वीडियो पहुंच सकें। और जो भी वीडियो देख रहे हैं, मैं पिछले कई दिनों से लगातार एक बात कह रहा हूं कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, आगे पीछे करके ना देखें। लेकिन कुछ भाई हैं जो पूरा नहीं देखते हैं और उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में आकर के, व्हाट्सएप पे आकर के मुझे सवाल लिख रहे हैं मेरे वीडियोस में से ही, जबकि उनके आंसर उनके अंदर मौजूद हैं। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। वो पूरा नहीं देखते हैं, एक दो मिनट का वीडियो देखते हैं, वीडियो को स्किप कर देते हैं, फिर सवाल पूछते हैं कि इसमें क्या होगा, जबकि आंसर दिया जा चुका है। तो एक रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत में शराब पी करके गाड़ी चलाना एक अपराध है, तमाम और कंट्रीज में भी अपराध है, लेकिन यहाँ भारत की बात करेंगे। शराब पी करके गाड़ी आपको कभी नहीं चलानी चाहिए, मैं इस फेवर में कभी नहीं हूँ। मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूँ कि शराब पीकर गाड़ी चलाना कानून के हिसाब से भी अपराध है और मानवता के, इंसानियत के हिसाब से भी अपराध है, क्योंकि आपके द्वारा जो गाड़ी से एक्सीडेंट होते हैं, उनमें जो गाड़ी चला रहे होते हैं, उन व्यक्तियों की मौत होती है। कभी कभी बेचारे खामखा के कुछ लोगों की मौत उससे हो जाती है, गाड़ी की चपेट में, वाहन की चपेट में आकर के जिन लोगों की मृत्यु होती है। तो एक बार आप लोगों से इस वीडियो के जरिए रिक्वेस्ट भी कर दूं कि आप लोग शराब पी करके गाड़ी ना चलाएं। आपने शराब अगर पी रखी है या ड्रिंक कर रखा है या कोई भी नशा आपने कर रखा है, तो आप गाड़ी ना चलाएं, भारतीय कानून में भी अपराध है। तो भारतीय कानून में मोटर व्हीकल एक्ट जो है, वो भारत में गाड़ियां किस प्रकार से चलेंगी, उनमें क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ों को जो ऑपरेट करता है वो मोटर व्हीकल एक्ट इसको ऑपरेट करता है। मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 185 में दो सब क्लॉज दिए हैं, और भी वहां पर क्लियर बताया गया सेक्शन 85 मोटर व्हीकल एक्ट में कि शराब पी करके आप गाड़ी ना चलाएं। अगर आप शराब पी करके गाड़ी चलाते हैं तो इसको ड्रंक एंड ड्राइव का मसला बताया जाता है, ये ड्रंक एंड ड्राइव का केस है। और इस केस में संबंधित जो पुलिस अधिकारी होंगे वो आपको अगर पकड़ लेते हैं तो 185 सेक्शन मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उनके पास एक मशीन होती है, जिससे कि मुंह में डाल करके वो आपका उसमें फूंक मरवाते हैं, और उस फूंक को आपको पूरे जोर से मारना पड़ता है। तो उस फूंक को जब मारते हैं तो उस मशीन को ब्रेथ एनालाइजर कहते हैं, जो पुलिस के पास होती है। हर गाड़ी चेक करने वाले अधिकारी के पास रोड पर जब चेकिंग हो रही होती है तो वो होती है, और उसमें आपको फूंक मारना होता है। और जब उसमें फूंक मारते हैं तो आपके फूंक से आपके शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर जो शराब की जो कैपेसिटी है मौजूद है, उसमें उसके डिटेल्स पूरे आ जाते हैं। मशीन को धोखा देना, उसको आप धोखा नहीं दे सकते मशीन को, उसमें आपकी सारी सारी कंडीशन उसमें आ जाती हैं। तो ब्रेथ एनालाइजर में जो मशीन है उसमें जो बताया गया कि कितनी मात्रा में यह माना जाएगा कि आपने शराब पी रखी है, तो सेक्शन 85 में क्लियरली मेंशन किया गया है कि ब्रीथ एनालाइजर में आप लोगों ने फूंक मारी और उसमें आपकी जो मात्रा है ब्लड की, उसमें 30% से लेकर 30 मिलीग्राम से लेकर के 100 मिलीग्राम तक की जो मात्रा पाई जाती है आपके ब्लड में अगर अल्कोहल की, तो उस कंडीशन में आपको गाड़ी बिल्कुल नहीं चलानी है, ये एक अपराध है। अगर आपके आपके ब्लड के अंदर फूंक जब मारते हैं ब्रेथ एनालाइजर में और 30 मिलीग्राम से लेकर 30 mg से लेकर 100 mg तक की मात्रा आपकी ब्लड के अंदर अल्कोहल की पाई जाती है, तो उस कंडीशन में आपको 6 महीने की जेल हो सकती है या 10,000 रुपये का कम से कम आपको जुर्माना हो सकता है, या दोनों आपके ऊपर इम्पोज हो सकते हैं। क्लियरली मैंशन है मोटर व्हीकल एक्ट में।
और दूसरी बार में अगर ऐसी ऐसी चीज आप करते हैं, अगर 3 साल के अंदर दोबारा से आप इसी ड्रिंक एंड ड्राइव में पकड़े जाते हैं और आपके ब्लड के अंदर दोबारा से जो ब्रेथ एनालाइजर जो है उसके अंदर जो शराब की मात्रा है वो 30 mg से लेकर 100 mg तक के बीच में पाई जाती है, तो 3 साल के अंदर दोबारा अपराध को पुनः करने पर आपको 15,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है और 2 साल की सजा हो सकती है, या दोनों कोर्ट आप पे इम्पोज कर सकता है। अब तो लाइसेंस को डिसमिस करने का भी कंडीशन आ गया है और लाइसेंस अभी आपका रद्द हो सकता है अगर आप बार बार एक अपराध को दोहराएंगे तो शराब पी करके आपको गाड़ी नहीं चलानी है। दूसरा 185 में जो उसकी जो कमेंट्स हैं सेक्शंस के नीचे, वहाँ क्लियरली मेंशन है कि बहुत से लोग समझते हैं कि हम शराब पी करके गाड़ी चलाएंगे तो हमारा ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट होगा और बाकी हम कोई भी ड्राई जो नशा है उसको करते हैं, ड्राई नशे आप जानते हैं, स्मोक से, सिगरेट से, लाइक चरस होता है, गांजा होता है, इस तरीके के जो ड्राई नशे होते हैं, अगर आपको लगता है कि ड्राई नशा आप करते हैं और उसमें आप बच जाएंगे क्योंकि वो सेक्शन शराब के लिए है, तो उसके कमेंट में क्लियरली मेंशन किया गया है 185 में नीचे को कि वो नशे जो होंगे, जो भी नारकोटिक डिपार्टमेंट से जो बैन किए गए नशे हैं वो भी नशे आप करते हैं और आप गाड़ी चलाने की स्थिति में नहीं है तो भी आप पे 185 ही इम्पोज होगी, और 185 इम्पोज होने पर आपकी गाड़ी का चालान भी हो सकता है सेक्शन 207 MV एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट में आपका जो भी वाहन है, कार है, मोटरसाइकिल है, जो भी आपका वाहन है वो सीज हो सकता है, जिसको रिलीज कराने के लिए फिर आपको कोर्ट जाना पड़ेगा और आपके ऊपर 185 की जो सेक्शन है वो तो अलग से इम्पोज होगी होगी, आपकी गाड़ी भी बंद हो सकती है 207 MV एक्ट में और आपके ऊपर 185 का तो केस लगना ही लगना है। तो ये इस तरीके की चीज़ों से आप बचें। और मैं आपको बता दूं, बहुत से हमारे हिंदुस्तान में बहुत चतुर और चालाक टाइप के लोग रहते हैं, उनको लगता है कि वो किसी मशीन को धोखा दे सकते हैं, बहुत से लोग कामयाब भी होते हैं, तो लोगों को लगता है कि हम अगर ड्रिंक हमने कर रखी है और हम ब्रश करके जाएंगे या माउथ फ्रेशनर अगर हम खा के जाएंगे तो मुंह से स्मेल नहीं आएगा, तो मैं आप लोगों को क्लियरली यहाँ बता दूं कि मुंह से स्मेल जैसा कोई कॉन्सेप्ट ब्रेथ एनालाइजर में नहीं है। आपके मुंह से स्मेल आ रही हो ना आ रही हो, आपके मुंह से स्मेल आएगी, ह्यूमन नेचर है, इंसान सूंघ के बता देगा आपने ड्रिंक कर रखा है, लेकिन जो ब्रेथ एनालाइजर है वो आपके मुंह को नहीं सूंघता है, वो आपकी सांसों के साथ में जो आपके जो अंदर से जो आप फूंक मारेंगे सांसों के साथ में जो एयर आएगी आपके बॉडी के अंदर से, उससे वो चेक करते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर एल्कोहल की परसेंटेज कितनी है। हालांकि 30 mg से नीचे की जो एल्कोहल है, आपके शराब पीते हैं, रेड वाइन पीते हैं या बियर पीते हैं, और 30 ml से नीचे का अगर कंटेंट आता है तो ये कोई अपराध नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि शराब जो होती है वो कोई भी अच्छी चीज़ नहीं होती। हालांकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट की मजबूरियाँ होती हैं कि शराब को बिकवाना है, लेकिन कुछ स्टेट हैं जो अल्कोहल फ्री हैं, जैसे गुजरात अल्कोहल फ्री है, बिहार अल्कोहल फ्री है, और आपका मणिपुर, नागालैंड आपके, और लक्षद्वीप आपका अल्कोहल फ्री है, तो ये स्टेट है यहाँ पर अल्कोहल बिकता ही नहीं है, यहाँ बेचना भी अपराध है, पीना भी अपराध है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि पूरे भारत में इस चीज़ को करे जिससे कि लाखों लोग जो प्रतिवर्ष ड्रिंक एंड ड्राइव की वजह से अपनी जान खो बैठते हैं वो सुरक्षित हों, उनकी जो जीवन है वो लगातार चलते रहें, उनकी असमय मृत्यु इस कारण ना हो। आप लोग भी इसमें सहयोग करें, ड्रंक एंड ड्राइव ना करें, गाड़ी शराब आपने पी रखी है, कोई भी नशा कर रखा है, तो कम से कम 3 से 4 घंटे उसको उतरने का इंतजार करें, उसके बाद ही आप लोग गाड़ी को ड्राइव करें, उसके पहले गाड़ी को ड्राइव ना करें, अन्यथा तैयार रहें आपकी गाड़ी भी सीज होगी, आप जेल भी जाएंगे, आपके वो जुर्माना भी लगेगा और समाज की क्षति से आप समाज में एक विलेन के रूप में आएंगे, तो अपने आप को समाज में हीरो बनाइए, विलेन नहीं। शराब से बचें, ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें। आज के वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।